तो कुछ इस तरह से की दिखती है अर्टिका की, और दोनों रिमोट मिल जाएगी, लॉक अनलॉक का बटन। इस तरह से करेंगे तो लॉक और आपको अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं आ गया हूँ नवनीत मोटर्स उदयपुर में, और मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी है वो है अर्टिका। जी हाँ, और जैसे टोयोटा की इनोवा बहुत फेमस है 7 सीटर में, वैसे ही आप इसको सुजुकी की इनोवा बोल सकते हो, यानी कि अर्टिका जो कि 7 सीटर में आती है। मोस्टली लोग इसको टैक्सीज में लेना भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये अच्छी एक तो सीएनजी के साथ आती है, दूसरी 7 सीटर में मारुति और टोयोटा की इनोवा, ये ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। बात कर लेते हैं इस गाड़ी में क्या क्या मिलता है। पहले बात करते हैं ये वेरिएंट कौन सा है, तो ये ZXi वेरिएंट है, टॉप मॉडल है। इससे ऊपर भी आता है ZXi प्लस, लेकिन वो सिर्फ प्योर पेट्रोल में आता है। ये जो है वो CNG में मिल जाएगा, ZXi वाइट कलर में आप देख रहे हैं। आगे क्या मिल जाता है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रिल की बात करते हैं। ग्रिल आपको बड़ी सी देखने को मिल जाएगी, जिसकी फिनिशिंग आपको क्रोम में मिलेगी, क्रोम और इधर ब्लैक जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। सुजुकी का बड़ा सा लोगो, यहाँ नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी, और आगे कोई भी आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को नहीं मिलते हैं। हेडलाइट्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले लाइट्स ऑन ही कर लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। मैंने आज इस बार ऑन नहीं किया तो, लेकिन अभी ऑन कर लेते हैं हेडलाइट्स। तो आपको जो हेडलाइट्स हैं वो इस तरह से हेलोजन प्रोजेक्टर में देखने को मिलेंगे, LED प्रोजेक्टर में नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर पार्किंग लाइट आपको देखने को मिल रही होगी, ये टर्न इंडिकेटर्स इधर, इधर फॉग लैंप की जगह नहीं, फॉग लैंप ही है, इससे नीचे वेरिएंट में जगह ही होती है। ये यहाँ फॉग लैंप आपको देखने को मिल जाएगा, हाई बीम इधर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ब्लैक कलर की क्लेडिंग करी गई है, जो कि आगे से इसका जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर टाइप का बना रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बल्की और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लुक देता है आगे से वो, खास करके ये ग्रिल की वजह से। ग्रिल जो है ना इसकी इस तरह से डिज़ाइन की गई है ना कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टाइप की गाड़ी लग रही है। यहाँ पर इसका सेटअप में बस हेडलाइट में यही था, ठीक है, हेलोजन में मिलती है, टॉप में आपको LED का सेटअप मिल जाता है, बाकी इसमें आपको जो है नॉर्मल मिल जाता है। और हाँ, इसमें DRLs देखने को आपको नहीं मिल रहे हैं, तो DRLs इस वेरिएंट में नहीं आते हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी ब्लैक कलर की आपको क्लेडिंग देखने को मिल जाती है इस तरह से, और यहाँ पर टोइंग हुक देखने को मिल जाएगा, और ये कुछ हेडलाइट का इस तरह से यहाँ पर भी सेटअप देखने को मिल जाता है। आगे से लुक मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इस तरह से बल्की लुक देखने को मिल जाता है। ऊपर से बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको वॉशर देखने को दो मिल जाएंगे, और ये वाइपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ में देखने को मिलते हैं। बड़ा सा ग्लास एरिया आपको देखने को मिल जाता है, और ये कुछ लुक दिखती है। इधर से साइड से बात करते हैं तो साइड से कुछ इस तरह सा बड़ा सा लुक है इसका, ये देख लीजिए। इतनी बड़ी सी गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है 7 सीटर, जिसमें आपको देखने को क्या मिलता है तो ORVM से उसके अंदर ही आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। जो अलॉय व्हील्स है वो आपको 185 65 R15 के टायर मिलते हैं, अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, और अलॉय व्हील्स का जो पैटर्न है प्लस इसमें जो सिल्वर प्लस ग्रे करा हुआ है वो भी कुछ ज़्यादा ही इस पर जम रहा है। तो ये कुछ इस तरह से आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको पैसेंजर साइड जो है वो आगे की डोर पे मिल जाएगा, और क्रोम में फिनिशिंग डोर की है। आपको डोर की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इस साइड में आपको फ्यूल लिड भी देखने को मिल जाएगा, ये फ्यूल लिड है, इसको हम ओपन करेंगे बाद में। बात कर लेते हैं आपको कि उस साइड में देखने को क्या मिलता है। तो जब आप इस साइड में आएंगे तो यही आपको सेम गाड़ी देखने को इस तरह से ही पैटर्न में मिलेगी, जिसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर है वो ड्राइवर साइड भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ लॉक का जो है वो ज़्यादा सही है कि इसी डोर में ही लॉक का दिया है। मैंने होंडा के एलिवेट में दिया देखा था जिसमें यहाँ पर लॉक का दिया गया है, पर वो मेरे को कुछ ज़्यादा मतलब कहते हैं ना आज के टाइम पर इतना ज़्यादा लुक बिगाड़ देता है अगर यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ इस तरह की लॉक की या कुछ और सिस्टम हो। तो डोर हैंडल्स में आपको लॉक का दिया गया है, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ब्लैक कलर का, यहाँ पर भी ब्लैक कलर की क्लैडिंग है, और बड़ा सा इसमें ग्लास एरिया आपको देखने को मिल जाता है, इतना बहुत ज़्यादा बड़ा यार मेरे को, मतलब इसमें कहते हैं ना कि आगे और ऑल्टो की बात करेंगे ना तो दोनों कहाँ से आ जाएंगे, इतनी बड़ी है। और इधर भी आपको ग्लास एरिया मिल जाता है जो कि ओपन नहीं होता, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब एयरीनेस फील होगा, इतनी बड़ी गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। तो साइड से देखने के लिए यही था। रूफ लेल आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही आपको सनरूफ देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और पीछे से बात करें तो पीछे से कुछ इस तरह से इसका लुक देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले बात करें ऊपर से, तो यहाँ पर आपको वॉशर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टॉप लाइट देखने को मिल जाएगी, डिफॉगर, और ये आपको वाइपर देखने को मिल जाएगा, CNG की बैजिंग, ये वॉल्वो टाइप की आपको लाइट्स देखने को मिल जाएगी, वॉल्वो में भी इस तरह से है, और मतलब डिज़ाइन इस तरह से है उसका, भले पैटर्न अलग होगा, यहाँ भी जलती होगी, यहाँ भी जलती होगी, लेकिन लुक इस तरह से थोड़ा बहुत वो देता है।
और यहाँ पर एलईडी का है, तो एलईडी में आपको लाइट्स मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन में देखने को मिलेंगे, ये रिवर्स लाइट है और सॉरी ये रिवर्स लाइट है। और यहाँ पर इस तरह का कुछ पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अर्टिगा की इधर बैजिंग देखने को मिल जाएगी, क्रोम की इधर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ सुजुकी का लोगो देखने को बड़ा सा मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो रिवर्स जो सेंसर्स है वो चार आपको इधर बम्पर में प्लेसिंग किए गए हैं और इधर कोई कैमरा आपको प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो इधर बात करेंगे तो इधर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा बम्पर के अंदर ही। तो कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट की गई है और कुछ इस तरह से लुक देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं डोर की, तो चलो पहले लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि आपका लाइट का काम हो गया, बैटरी किसी की गाड़ी की नहीं बिगाड़नी हमें। डोर की बात करेंगे, डोर में क्या देखने को मिल जाएगा, तो ये क्रोम में हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, ये लॉक के बटन है, यहाँ पे पावर विंडोज़ मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड का ऑटो है और यहाँ पर जो डोर लॉक के बटन मिल जाएंगे, विंडो जो है चाइल्ड लॉक है, पीछे की आप दोनों लॉक कर सकते हैं। ये ORVMs कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट राइट और इधर से फोल्ड करने के लिए है, फोल्ड का बटन मिल जाता है। ग्रैप हैंडल आपको इधर देखने को मिल जाएगा, बोतल होल्डर और इधर मैगजीन, इधर स्पीकर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर ट्विटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी वुडन टाइप की फिनिशिंग देखने को मिल रही है जो कि बहुत अच्छी दिखने में लग रही है। तो इस तरह से कुछ फिनिशिंग है। यहाँ पर बात करेंगे तो सीट जो है फैब्रिक में देखने को मिलेगी, लेदर में देखने को नहीं मिलेगी और सीट की जो पोजीशन है वो भी अच्छी है, हाइट एडजस्टेबल आपको सीट्स देखने को मिल जाती है, रिक्लाइन आपकी इधर से हो जाएगी और यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं सीट को। और डेड पेडल की बात करें तो आपको डेड पेडल भी देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में, वो रहा। यहाँ बात करेंगे तो इधर टिकट होल्डर्स टाइप के कॉइन्स रख सकते हैं आप, ये सब छोटी मोटी जगह आपको देखने को मिल जाएगी। CNG फ्यूल करने के लिए, पेट्रोल से CNG में शिफ्ट करने के लिए बटन इधर देखने को मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, हेडलाइट लेवल करने का बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का बटन। और यहाँ पर आएंगे तो वही सरमाइका टाइप की आपको जो फिनिशिंग है वुडन की बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आएंगे तो AC वेंट, इसको एडजस्ट क्लोज और ओपन करने के बटन आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो सीट कुछ इस तरह से पोजीशन में देखने को मिल जाती है। अंदर से बात कर लेते हैं अंदर इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप अंदर इनसाइड करते हैं तो आप कर देंगे सीट को सबसे पहले पीछे और यहाँ पर आपको स्टीयरिंग मिल जाएगा देखने के लिए, जिसमें D-गार्ड स्टीयरिंग है। आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे लेकिन कोई भी आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर वाइपर से रिलेटेड आपको कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे तो आपको टच स्क्रीन बड़ी सी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर हैजार्ड लाइट का बटन और ये इस तरह से ही देख रखा हुआ, ये लगभग लाइट रात में ग्लो करती है, जलती है। और यहाँ पर आपको AC मिल जाएगा जो कि ऑटो AC है और यहाँ पर डिजिटल है पूरा, मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको मैंने मोड्स के बारे में बताया नहीं, ये रियर डिफॉगर है, फ्रंट डिफॉगर है, यहाँ पे मोड्स, यहाँ पे AC का बटन ऑफ ऑन करने का, यहाँ पे सर्कुलेशन के लिए, यहाँ पे हीट और कूल करने के लिए और ये फ़ैन की स्पीड बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आएंगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पर आएंगे तो USB का सॉकेट मिल जाएगा थोड़ी बहुत जगह। यहाँ पर कप होल्डर मिल जाएंगे जिसमें AC वेंट दे के रखा हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली कूल्ड ग्लव बॉक्स में इधर देके रखते हैं बट यहाँ पर देके रखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल रख के थोड़ा ठंडा भी कर सकते हैं और कप अगर रखना चाहते तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर 5-speed का गियर बॉक्स, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा, क्रोम की थोड़ी बहुत फिनिशिंग, यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर छोटू सी जगह है जहाँ पर आपका कुछ नहीं तो एक छोटा सा वॉलेट या फिर कुछ कह सकते हैं कीज या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आ सकती है और कुछ नहीं। डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो ग्रैप हैंडल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो है सनवाइजर देखने को मिल जाएगा जिसमें मिरर देकर रखा हुआ है और यहाँ पर आएंगे तो टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो लाइट हैलोजन में देखने को मिल जाएगी। ये रियर व्यू मिरर है, ऑटो नहीं है, नॉर्मल है, तो ये आप नॉर्मल इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो AC वेंट्स के लिए जो है जो आगे की साइड में ये ब्लो है, यहाँ से मतलब खींचता है हवा और वो आगे तरफ फेंकता है, इसलिए ये AC वेंट्स इस तरह से आपको देखने को मिल रहे होंगे जो कि आगे की तरफ है। हम इसको ऑन करेंगे बाद में, सबसे पहले चलते हैं हम पीछे की साइड। और यहाँ पर पीछे की साइड जाने से पहले इधर की भी बात करूँ, यहाँ पर आपको AC वेंट्स देखने को मिल रहे हैं दो और कुछ इस तरह की इधर भी फिनिशिंग है, ब्लैक ग्रे और बेज कलर का कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही निखर के आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह से कुछ देखने को मिल जाता है। इसमें अगर बात करें एयरबैग की तो आपको दो एयरबैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। चलते हैं पीछे और डोर पे इधर कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी लिखे गए हैं। चलते हैं पीछे की साइड में, तो जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे
तो पीछे का कुछ डोर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डोर ओपन और क्लोज़ का बटन, यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे पावर विंडो का बटन, ये कुछ छोटी मोटी स्पेस देके रखी गई है, ग्रैप हैंडल है और यहाँ पर बोतल होल्डर है, यहाँ पर थोड़ी मैगजीन की जगह, यहाँ पर भी आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। बड़ी सी सीट एरिया है जहाँ पर आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और जो जिसकी जो पोजीशन है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, रिक्लाइंग मिलेगी और आगे पीछे आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो सीट कुछ इस तरह से इसकी एडजस्ट होती है। करते हैं सीट को थोड़ा सा पीछे और कुछ एरिया हम दिखाते हैं अंदर चल के कि ये कैसा लगता है। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं, सीट की जो रिक्लाइन है वो आप आराम से कर सकते हैं, जो इस पोजीशन में भी हो सकती है आप देख रहे होंगे। ऊपर आपको एसी वेंट्स देखने को मिल रहे होंगे जिसमें आपको एडजस्ट करने के लिए मिल रहा होगा फ़ैन का स्पीड 1, 2 और 3। यहाँ पर ग्रैप हैंडल, कोई हुक नहीं है, यहाँ पर भी ग्रैप हैंडल, कोई हुक नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो हैलोजन लाइट देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर आपको जो है 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। छोटी मोटी स्पेस इधर देखने को मिल जाएगी, मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाएगा। एड्रेस जो है वो एडजस्टेबल है, वो भी आपके 2, 3, 4, 5, 6 के 6 एड्रेस जो है वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। बीच वाली सीट्स में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह से ओपन होता है। इसको हम ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से ओपन होता है सीट का आर्मरेस्ट और ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसा एडजस्टमेंट है। हम चलते हैं उस साइड में और उस साइड में जाके आपको सीट का जो है वो दिखाते हैं कुशनिंग। तो जब आप ये डोर ओपन करेंगे और हम करते हैं इसको इस साइड में और इसको करते हैं सीट को फोल्ड और इसको आगे से इस तरह से, ये इस तरह से हो जाती है और आपको ऐसे ही पीछे जाना पड़ेगा। तो जब आप इसको पीछे जाएंगे इस तरह से सीट पे बैठेंगे, पीछे वाली सीट पे, और यहाँ से इस सीट को उठाएंगे इस तरह से, तो मैं आ गया हूँ पीछे और पीछे वाली सीट भी कंफर्टेबल है, अच्छी है। अडल्ट्स के लिए नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट फिर से देखने को मिल जाएगा, कप होल्डर, और यहाँ पर आपको कोई एसी के वेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको कप होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ग्रैप हैंडल देखने को मिल जाएगा, वो वाला आपको देख रहा है नॉर्मल में देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वही स्क्रू टाइट करके दे दिए गए हैं। इस साइड में भी आपको मिल जाएगा। ग्लास एरिया बड़ा है तो आपको सफोकेशन टाइप का फील नहीं होगा, अच्छा है, बड़ा एरिया है तो अच्छी बात है। सीट की जो कुशनिंग है वो भी बहुत अच्छी बात है। इनोवा ले लो या फिर ये गाड़ी ले लो, इन सब में थर्ड रो में अडल्ट बैठाना इतना कंफर्टेबल नहीं होता। हालांकि इनोवा में होता है, इनोवा में बैठ भी जाते हैं आराम से, लेकिन इस गाड़ी में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। अगर कोई लोग ये कह रहे होंगे भैया ये सीट आगे कर दो, तो यार मैं आगे नहीं कर पा रहा हूँ इसको, इसलिए आप स्पेस देख लो, स्पेस इतना है और ये सीट पूरी पीछे है, तो अडल्ट्स को बैठने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। हम चलते हैं बूट की तरफ। तो जैसे ही हम बाहर आएंगे, ओके, तो जैसे हम बाहर आएंगे ये कुछ सीट्स है, इसकी पोजीशन इस तरह से देखने को मिल जाती है, जिसमें आप पूरी आगे ऐसे कर सकते हैं और इसको आप करेंगे तो इस तरह से पूरी पीछे ऐसे हो जाती है सीट्स। अब करते हैं बूट को ओपन, बूट को करते हैं ओपन, तो बूट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। 7 सीटर्स एमपीवी जो गाड़ियां होती हैं ना, इनोवा ले लो, ये ले लो, या फिर आप जो रेनॉल्ट की आती है वो ले लो, उनमें मोस्टली बूट स्पेस जो होता है ना वो एकदम ना के बराबर होता है। सीएनजी फिटिंग होने के बावजूद भी आपको अच्छा खासा इधर बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका एक लगेज बैग, एक नहीं तो हाँ एक लगेज बैग और एक छोटे मोटे लगेज बैग आराम से आ सकते हैं। नीचे जो है वो सीएनजी का टैंक फिट किया गया है, तो इस तरह से आपको कवर करके दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर इस तरह से ये कवर हो जाता है, चिपक जाता है ऐसे, तो ये सीएनजी इस तरह से हाइड हो जाता है, किसी को पता भी ना चले कि सीएनजी रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सीएनजी की बैजिंग करके रखी गई है ना, तो भाई साहब आजकल लोग बहुत चालाक हैं, समझ जाते हैं, मारुति की गाड़ी तो मोस्टली सीएनजी पे ही चलती होगी। पर ठीक है, बूट आपका जो है उसमें जो बटन्स है वो नहीं दिए गए हैं, नॉर्मल जैसा है डोर हैंडल्स होता है उस तरह का है, इस तरह से ओपन होगा आपका ये। तो कुछ पीछे से लुक ऐसा था, कुछ अंदर से लुक इसका ऐसा था। हम ओपन करते हैं अब इसका फ्यूल लिड और फ्यूल लिड दिखा देते हैं आपको फ्यूल लिड कैसा है। तो यहाँ से इसका फ्यूल लिड ओपन होगा और यहाँ पर आएंगे तो आपको फ्यूल लिड देखने को मिल जाएगा, इतना बड़ा आपको फ्यूल लिड देखने को मिल जाता है। और इधर से अंदर आते हैं
तो कुछ इस तरह से मिलता है, जिसमें हम इंजन को एक बार ऑन करते हैं। तो जैसे ही इंजन को हम देख लेते हैं, अब इंजन को एक बार हम ऑन करते हैं तो टैकोमीटर आपका कुछ है, तो जैसे ही गाड़ी को ऑन करते हैं तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये जो है आपको सेमी डिजिटल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्यूल से रिलेटेड, यहाँ पर सीएनजी से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्पीड है 220, और यहाँ पर आएंगे आप तो यहाँ पर आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिसमें टच स्क्रीन कैसा है तो यहाँ पर लॉक है, यहाँ से करेंगे तो अनलॉक, ये वॉल्यूम का बटन, और यहाँ पर म्यूट करने का, यहाँ पर कम करने का, ये टच स्क्रीन कुछ इस तरह से इसका काम करता है। यहाँ पर आएंगे तो सेटिंग से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले है, डेट, टाइम, लॉक, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर म्यूज़िक से रिलेटेड कंट्रोल, FM, AM, ब्लूटूथ, USB वो कर सकते हैं, ये बैक जाने के लिए है, और यहाँ से वॉल्यूम के कंट्रोल से यहाँ पर जाएंगे आप तो जो FM है उसको सेटिंग करने के लिए मिल जाता है देखने के लिए। स्मार्ट फोन लिंक करने के, उससे कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और बस ये कुछ था, जो मेन मेन्यू वो इस तरह से दिखता है, जिसमें आपको डेट, टाइम और ये दिखता है, फ़ोन, मीडिया, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। फ़ोन में जाएंगे तो वही जो फ़ोन आपको कनेक्ट करोगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसका जो टच स्क्रीन है वो काम करता है। टच स्क्रीन रिस्पॉन्सिव है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, टच स्क्रीन रिस्पॉन्सिव है, अच्छा है। जो साउंड है वो भी क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी देखने को आपको मिल जाती है। तो ये कुछ था इस गाड़ी का, और अब हम करते हैं इसका बोनेट ओपन। इस वाले बटन को हम लोग करेंगे ऑन, जिससे बोनेट ओपन होगा। तो ये करेंगे हम, और बोनेट करते हैं हम ओपन। अब तो कुछ इस तरह से बोनेट ओपन करने पे इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको प्लेसमेंट जो है इंजन की इस तरह से देखने को मिलेगी। कवरिंग करके लिए रखा गया है, जिससे NVH लेवल जो है इंजन का वो कैबिन के अंदर ना के बराबर आता है। और ऑब्वियसली मारुति की गाड़ियों के इंजन के नॉइज़ जो है वो कैबिन के अंदर कभी आती नहीं है, इतना रिफाइंड इंजन इनका होता है। हालांकि नीचे की बात करें तो कवरिंग करके नहीं रखी गई है, नीचे आपको ओपन प्लेस मिल जाएगा, यानी चूहे आकर आपकी वायरिंग्स खाने का डर रहता है। तो आफ्टर मार्केट चाहे तो आप क्लोज़ करा सकते हैं या फिर ओपन रख सकते हैं। इंजन की प्लेसमेंट में इस तरह से देखा गया, जो कि ऊपर से कोई कवर करके नहीं रखा गया। इंजन नीट एंड क्लीन है, और इस तरह से लुक देता है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि ये कितने BHP का पावर देता है, कितने की माइलेज देता है। CNG के साथ है तो माइलेज ऑब्वियसली आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। करते हैं बोनेट को बंद। तो कुछ इस तरह से अर्टिगा CNG में ZXI मॉडल देखने को मिल जाता है। एंटीना की बात कर लेते हैं, नॉर्मल सार्फिन एंटीना नहीं मिलता, ठीक है, तो मैंने वो बताना भूल गया था, इसलिए इसमें कवर कर देता। मे बी हो सकता है मैंने रिकॉर्ड किया हो, बट मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से कुछ अर्टिगा का था, वाइट कलर में आप देख रहे थे। मैं आया था नवनीत मोटर उदयपुर में, और बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।